29 अप्रैल कल दुलिया लोकसभा का निवडणूक हुआ। मालेगांव मध्य विधानसभा 114 के अंदर 50% ही मतदान हुआ। बहुत अफसोस हुआ हमें कि इतना कम मतदान क्यों हुआ। हमने बहुत सारे रीज़न कार्यकर्ताओं की तकरार, उनको बुलाया, उनकी मीटिंग ली और उनसे विचार किया कि क्यों मतदान कम हुआ, क्योंकि सभी राजकीय पक्ष के लोगों ने मिलकर एक केंद्रीय निवडणूक आयोग ने जो आह्वान किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना, हमने उनके विचारधारा और उनकी बात पर अमल करते हुए हमने आगे बहुत प्रचार किया। उसके बाद मतदान कम क्यों हुआ तो रीज़न ये समझ में आया कि जो मतदान यादी थी उसके अंदर बहुत गोंधल किया गया। उसके बाद जो पोलिंग पे जहाँ पर मतदान किया जाता है स्कूल में, वो फर्स्ट फ्लोर पे भी रख दिया गया, बुज़ुर्गों लोग नहीं जा पाए। उसके बाद बाहर जो बॉर्डर रहती है तो उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट में रोकने का काम किया, स्लिप चेक करो, ये चेक करो, है ना। पुलिस का काम ऐसा होता है कि पुलिस ने लाइन ऑर्डर स्लिप देखना चाहिए, जबकि मतदाता जो है वो वहाँ जाएगा और अगर वो फेक एड गलत अगर वोट देगा, झूठी वोट देगा तो प्रोसीडिंग ऑफिसर वो करेगा, उसको नहीं देना वोट देने देना है या नहीं देना देना पुलिस का काम नहीं था। मेरा ऐसा स्पष्ट आरोप है कि प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरीके से दबाव था और उसका दुरुपयोग सरकार ने की है इस सिस्टम का, और लोकतंत्र के हत्या करने का काम किया गया है। और इसी कारण से हम लोगों ने आज पत्रकार परिषद में डिमांड की है, कई पुरावे हमारे पास है, दुरुपयोग के पुरावे हमारे पास है, और वो पुरावे लेके 2 मई को निवडणूक निर्णय अधिकारी जिला अधिकारी धुले को जाकर मांग तकरार देने वाले हैं। क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा होगा कि फिर से मेरे क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र जो है 114 का फिर मतदान लिया जाए।